नमस्ते दोस्तों, माँ बेटी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज मिर्ची का अचार बनाने जा रही हूँ। आइए आपको बताती हूँ इसमें मैंने क्या क्या लिया है। ये मिर्ची है तीखी, बिना तीखी की मिर्ची है। और ये लहसुन है, लहसुन मैंने ऐसा 3 कली लिया है। ये जीरा है, ये धनिया है, ये सौंफ है, ये राई है पीली वाली, और ये मंगरेल है जिसको कलौंजी बोलते हैं, और ये अमचूर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सारे मसाले भूजेंगे। पहले हम लोग धनिया भूजेंगे, सारे मसाले सारे अलग अलग भूजना है। अब क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग जीरा बोलेंगे। जीरा को भी लाल करना है। हाँ, जीरा लाल करना है। महक आने लगी तब निकाल देंगे। हो गया है, अभी इसी में मैं सौंफ भी डाल दे दूंगी। जीरा और सौंफ हम लोग साथ में भून सकते हैं। हाँ हाँ, अभी हो गया है। अब क्या डालोगे? अरे मंगल, ये अलग अलग भूनो। हाँ, ये अलग अलग। अलग ही रखेंगे इसको, अलग से ऊपर से पीस के डालेंगे। अब मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी। अभी तेल को, तेल में इसको मिर्ची को भूनेंगे। कच्चे तेल में डालना है? कच्चे तेल में डालने का, तो मतलब राई के तेल का स्वाद आएगा पूरा। ये मिर्ची तीखी नहीं होती ना? ये ज्यादा तीखी नहीं होती, हल्की तीखी होती है। और मैं लहसुन को भी मिक्सर में थोड़ा सा पीस लूंगी, हल्का सा। अभी इसको मैं भून लूंगी। खाली मिर्ची भूनोगी ना? खाली मिर्ची भूनूंगी। सारे मसाले पीस लिए हो ना? और ये लहसुन। हाँ ठीक है, अभी इसको सब मिक्स कर देंगे। अचार में क्या मसाला ज्यादा रहता है तो अच्छा लगता है। अब इसको जितना अच्छा हम लोग मिर्ची को भूजेंगे उतना दिन ज्यादा चलेगा। और इसको थोड़ा धूप में भी रख देने का, और ऊपर से कच्चा तेल भी बाद में जब बन जाए तो अभी बन जाएगा तभी डाल दोगे ना? मतलब बर्नी में भर के रख दोगे और फिर दूध निकालोगे ना? ठीक है। अब ये नमक मैंने डाल दिया। अभी इसको 5-10 मिनट हम लोग और भूजेंगे। और पीली सरसों का डालो, इसमें तेल थोड़ा कम पड़ जाए। पीली सरसों भी मिक्स कर देते हैं। सरसों थोड़ा 5-10 मिनट पका लो। बस 5-10 मिनट पकाना। हाँ। और अभी कुछ ऐड नहीं करना। मेरा अचार बन के तैयार हो गया है। अब इसमें ऊपर से हम लोग राई का तेल डालेंगे। Thank you.
इसको दो तीन दिन धूप दिखा देंगे, ऐसे आप खा सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर धूप दिखाने से थोड़ा दिन ये चलेगा, टिकेगा।